पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे कवर पेज के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम इंसर्ट मेनू में कवर पेज के बारे में बात करें तो कवर पेज होता क्या है? जैसे बहुत सारा ऐसा बुक आपने देखा होगा, जैसे मैथमेटिक्स का बुक है, इंग्लिश का बुक है, कंप्यूटर का बुक है, उसका जो फ्रंट पेज होता है जिसपे सब्जेक्ट का नाम लिखा होता है उसी को हम कवर पेज के नाम से जानते हैं। और कवर पेज हम अलग अलग डिजाइनों में बना सकते हैं। जैसे कि हम थोड़ा सा आपको क्रोम पे सर्च करके दिखाने चाहेंगे ये कवर पेज का मतलब होता क्या है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कवर पेज। देखिए, ये सब एक प्रकार का फ्रंट वाला पेज होता है जो बुक के टॉप में होता है, उसी को हम कवर पेज के नाम से जानते हैं। अलग अलग प्रकार का इसमें डिजाइन दिया हुआ है और जिस डिजाइन से आपको बनाना है आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो ये कवर पेज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है ना? तो यही कवर पेज हम बनाना सीखेंगे किसमें? एमएस वर्ड में। अब कैसे बनाएंगे तो देखिए, सबसे पहले तो पेज की साइज आपका 100% होना चाहिए। क्लियर करिएगा आप लोग, ठीक है? अब इसमें सबसे पहले आप इंसर्ट टैब में आइएगा, कवर पेज पे आपको आ जाना है। कोई सा भी एक कवर पेज आप ले लीजिए और कंट्रोल इसे सिलेक्शन करने के बाद इसको डिलीट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको आ जाना है इंसर्ट टैब में और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा शेप। और कौन सा शेप लेना है तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए, राउंडेड रेक्टेंगल, इसी शेप को ले लेना है। देखिए, प्लस का सिंबल बना है, जब शेप पे क्लिक करेंगे तो प्लस का सिंबल बनेगा, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करिएगा, ठीक है ना? अब इसमें जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो येलो कलर का एक सिंबल आपको मिलेगा, इसी सिंबल को पकड़ करके ऐसे थोड़ा सा मूव करा दीजिएगा, बिल्कुल राउंड टाइप का हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा पतला कर लीजिएगा, अब इसको ऐसे रोटेट करिएगा, देखिए, अब ये नहीं कि ऐसे कर लीजिएगा, पूरा गलत हो जाएगा, बस यहाँ तक, ठीक है? अब इसको ऐसे उठा करके यहाँ पे रखना है आपको, देखिए, हो जाएगा ना? अब इसी का डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल के साथ डी बटन दबाइए, कंट्रोल प्लस डी बटन दबाना है बस, डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल डी, फिर कंट्रोल प्लस डी, ऐसे दबाते जाइएगा। एक मिनट, अब देखिए करना क्या, जब आप शेप लेंगे तो एक फॉर्मेट टैब का मेनू खुल करके आ जाएगा। क्या इसके पहले फॉर्मेट था? तो शेप पे क्लिक करेंगे तभी फॉर्मेट ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे आ जाना है शेप फिल पे, इसका कलर दे दीजिएगा रेड कलर, आउटलाइन भी दे देना है रेड कलर, पुनः इसको सिलेक्शन करना है, इसमें दे देना है ग्रीन कलर, आउटलाइन भी दे देना है ग्रीन कलर, इसको सिलेक्शन करना है, इसका भी डिफरेंट कलर आपको दे देना है। ऐसे सिलेक्शन करने के बाद अलग अलग कलर सब पे अप्लाई करके देखिएगा, पर इतना क्लियर करिएगा, जब शेप पे क्लिक करेंगे तभी फॉर्मेट टैब मिलेगा। और भी कलर बनाना है तो मोर फिल विल कलर पे चले जाइएगा, यहां से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई कलर आप बना सकते हैं। देखिए, आउटलाइन भी यहीं से चेंज होगा, यहीं से आउटलाइन चेंज, यहाँ से आउटलाइन में ये कलर ले लो। बोलिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आप देखिए, पुनः इंसर्ट पे आइएगा और यहाँ पे एक और शेप आपको लेना है, ये है आपका लाइनिंग वाला शेप, इसी को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करिएगा। और यहां से आउटलाइन यहां से मोटा कर लीजिए, कंट्रोल प्लस टी, इसका भी कलर यहां से चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि अलग अलग कलर में रहेगा तो अच्छा दिखेगा आपका। देखिए, फिर कंट्रोल प्लस डी, ऐसा नहीं कि यही डिजाइन आप बनाइएगा, कोई सा भी डिजाइन आप बना सकते हैं, ठीक है? मैं बता दे रहा हूँ तरीका, आप लोग लैब में जाके करिएगा, जो आपको अच्छा लगेगा उसके हिसाब से बनाइएगा। अब
यहाँ तक बन जाएगा ना? बोलिए क्या चीज? तो डिलीट कर देंगे सिलेक्शन करके, दूसरा ले लेंगे। अब चलिए, इसमें आपको टाइप करना है क्या? ट्रिपल सी। तो देखिए, ट्रिपल सी जैसे मेन हेडिंग है ना, तो ट्रिपल सी लिखने के लिए सबसे पहले इंसर्ट पे आ जाइएगा, और यहाँ पे आ जाइएगा वर्ड आर्ट पे, और यहाँ से कोई सा भी एक वर्ड आर्ट आप ले लीजिए। अब इसमें आपको टाइप कर देना है क्या? ट्रिपल सी। अब इसको सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन सी इसकी साइज को इंक्रीज कर दीजिएगा। इंक्रीज करने के बाद फॉन्ट को चेंज कर लीजिएगा। ठीक है ना? इसको सेंटर में लेके चले जाएंगे हम, नीचे से थोड़ा सा और इसको हम छोटा कर देंगे। हो जाएगा? अब चलिए, ट्रिपल सी का पूरा नाम क्या होता है इसको लिखना पड़ेगा ना, तो इसके लिए इंसर्ट पे आइएगा और पुनः आ जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स, और यहां से ले लीजिएगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। इसको यहां से लेकर के यहां तक ड्रैग एंड ड्रॉप करिएगा। अब इसी में आपको लिखना है क्या इसका पूरा नाम? ये लिखा हुआ है ना, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। इसको भी सिलेक्शन करेंगे और इसकी साइज को इनक्रीज कर दीजिए, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड करना है। ठीक है ना? अब इसके बाद से शेप फिल पे आकर के इसमें कर लेना है नो फिल, आउटलाइन पे आकर के नो आउटलाइन। देखिए, अब इसकी साइज को आप बढ़ाना चाहते हैं तो सिलेक्शन करिए, इसकी साइज को आप बढ़ा दीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे करना है? अब देखिए, इसके बाद से यहाँ पे एक आपको शेप लेना, इंसर्ट पे आइए और यहां से आप एक शेप ले लीजिएगा, जैसे कि ये वाला शेप मैंने ले लिया। ठीक है ना? अब यहाँ पे जो है आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे पिक्चर, यहाँ पे कोई पिक्चर डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने ले लिया नीलीट लोगो, जो ट्रिपल सी कराता है ये नीलीट लोगो। यहाँ से जो है हम इसको राइट क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इसको डाउनलोड करके रख लेते हैं म्यूजिक। चलिए, आप यहाँ पे आ जाइएगा, सबसे पहले शेप पे क्लिक करना और चले आना है शेप फिल पे, और यहाँ पे आ जाना है पिक्चर में, और ये पिक्चर आपको मिलेगा कहाँ पे? म्यूजिक में ही मैंने सेव करके रखा है। इसी को इंसर्ट करा लीजिए। ठीक है? तो जब यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे तो देखिए, इसमें आउटलाइन दिख रहा है ना, तो आउटलाइन को हटाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे फॉर्मेट पे आ जाइएगा, यहाँ पे फॉर्मेट पे, और शेप आउटलाइन को हटा करके नो आउटलाइन कर देना है। हो जाएगा ना? अब इसी के कंट्रोल प्लस डी बटन दबा लीजिए, एक आप लेफ्ट साइड में भी लेके चले आइए, सॉरी राइट साइड में लेके आ जाइए, और यहाँ पे क्लिक करिएगा शेप फिल पे आइएगा, और यहाँ से पिक्चर लेना है कौन सा? कंप्यूटर का फिगर ले लीजिएगा। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला फिगर इंसर्ट करा दिया। आउटलाइन, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन कर लीजिएगा। बोलिए, कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इसके बाद से आपको क्या करना है, इसमें आपको टॉपिक का नाम भी आपको टाइप करना है, तो टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखना है, उसके पहले इंसर्ट में आइएगा और यहाँ पे आ जाइएगा शेप में, और ये वाला शेप लेकर के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए।
राइट क्लिक करिएगा, ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा और इसमें आप टाइप करिएगा बेस्ड ऑन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। पुनः इसको सिलेक्शन करके और इसकी साइज को बड़ा कर लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से बनाइएगा आप लोग, ठीक है? अब चलिए, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है ना, कोई ट्रिपल सी करो। ट्रिपल सी का बुक में देखिए न्यू टॉपिक्स लिखा हुआ है, बुक में देखिए, सब लोग बुक में देखिए न्यू टॉपिक्स लिखा हुआ है, इसी टॉपिक्स को आपको लिखना है। तो टॉपिक्स लिखना ऐसे ही बन जाएगा। न्यू टॉपिक्स लिखा है ना, इसी टॉपिक्स का नाम आपको टाइप करना है, लेकिन वैसे मत लिखिएगा, आप इंसर्ट पे आ जाइएगा। कहाँ पे आना है? इंसर्ट पे आइएगा और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे आ जाना है और इसमें ले लेना है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। दिख रहा है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स? अब इसी को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। अब इसमें हेडिंग दे देना है क्या, न्यू टॉपिक्स, न्यू टॉपिक्स, न्यू टॉपिक्स में पहला लिखा हुआ है कंप्लीट, कंप्लीट ओएस कॉमा अबंटू एंड लिब्रे ऑफिस, फिर एंटर करना है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, इंटरनेट लिखा है ना, ए बात करने वाले कहाँ बिजी हो, इंटरनेट। इसके बाद से क्या लिखा है, डब्ल्यू डब्ल्यू कॉमा प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स एंड पॉपुलर ब्राउजर्स। इसके बाद से क्या लिखा है, ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस। फिर इसके बाद से क्या लिखा है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। इसके बाद से क्या लिखा है, फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। ये सब सिलेबस का नाम लिखा हुआ है, सही है ना? अब देखिए, चूंकि इसमें रेड लाइन आया हुआ है, इसमें रेड लाइन क्यों आया है, इसको थोड़ा सा आप स्पेस दे दीजिएगा, बस बस केवल स्पेस दे दीजिएगा, हट जाएगा ये, ठीक है? अब देखिए करना क्या है, केवल मेन हेडिंग को सिलेक्शन करिएगा और इसकी साइज को इंक्रीज कर लीजिएगा, इसको बोल्ड कर लेना। अब इसकी फॉन्ट को आपको चेंज कर लेना, जैसे ये वाला फॉन्ट में मिलेगी, ठीक है? और पुनः इन सारे डेटा को सिलेक्शन करेंगे और इसकी साइज को इंक्रीज करेंगे। इसके बीच में स्पेस ज्यादा मात्रा में है ना, स्पेस को कम करने के लिए लाइन स्पेस पे 1.0, और भी कम करना है तो यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यहाँ से रिमूव कर लीजिए। अब इसकी साइज को यहाँ से इंक्रीज करेंगे,
अब देखिए इसके पहले कुछ माइनस टाइप का सिंबल लगा है ना, तो इस माइनस का सिंबल आने के लिए आप यहाँ पे सिंबल पे आ जाइएगा और यहीं पे माइनस का सिंबल मिलेगा। अगर इसमें नहीं मिलता है तो डिफाइन या बुलेट पे जाएंगे, और यहाँ पे सिंबल में जाएंगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए। अब यहां से क्या करेंगे, इस आउटलाइन को हटाने के लिए क्या करेंगे बोलिए। इस आउटलाइन को हटाने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट पे आएंगे और शेप आउटलाइन को क्या कर देंगे, नो आउटलाइन। यहां से गायब हो जाएगा। देखिए हो जाएगा। देखिए चूंकि इसको मैंने बॉक्स में इसलिए लिखा है क्योंकि अगर ये बॉक्स में रहेगा तो हम आसानी तरीके से एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं, इससे फायदा यही होगा। क्या चीज? अरे बिना बॉक्स में भी लिखा जाएगा लेकिन उसको एक जगह से दूसरे जगह नहीं लेके जा पाओगे, ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जैसे देखो, जैसे इतना मैंने टाइप किया है ना, अब देखो इस पे क्लिक करेंगे तो इसको हम एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। ठीक है ना, इससे यही प्लस पॉइंट है। बोलिए बन जाएगा। अब इसके बाद से क्या लिखा हुआ है, ट्रिपल सी मोस्ट लाइकली एग्जाम पेपर्स। अभी इतना स्पेस मिला हुआ है, देखिए कंट्रोल पी करते हैं तो इतना स्पेस मिला हुआ है। बोलिए बताना पड़ेगा कि बन जाएगा। बन जाएगा ना, ऐसे ट्राई करिए आप लोग जाकर के लैब में। ठीक है, चांदे तुम क्यों नहीं आ रही थी?